हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए गर्मी की छुट्टी का अपडेट लेकर आया हूं, जो कि डीओई ने जो सर्कुलर जारी किया इसके अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं, ये 2023 का जो गर्मी का छुट्टी है, ये कुछ स्टूडेंट के लिए जो है ना हैप्पी अपडेट है और कुछ स्टूडेंट के लिए हैप्पी अपडेट नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट को मिली गर्मी की छुट्टी, बट कुछ स्टूडेंट को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है और कब से आपका गर्मी की छुट्टियाँ कब तक रहेगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये डीओई का सर्कुलर है, ये जो ईयरली प्लान है इसमें बताया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए समर वेकेशन आपका जो है ना 11/5/2023 यानी 11/5/2003 से जो है ना आपका, यानी थर्सडे से आपका गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है और वो आपका डियर स्टूडेंट 30 जून तक चलेगा। ठीक है, 30 जून 2023 तक फ्राइडे तक आपका गर्मी की छुट्टी चलेगा, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट जो है ना बता दें, जो है ना 28 तारीख से लेकर के 30 जून तक 2023 तक जो है ना वर्किंग डेज होता है, लेकिन इसमें उन स्टूडेंट के लिए जो है ना ये अच्छा नहीं है अपडेट, जो स्टूडेंट डियर स्टूडेंट क्लास 10th में है और क्लास 12th में है, क्योंकि उन स्टूडेंट को जो है ना एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, जैसे क्लास 10th का है तो उनका मैथ का है, साइंस का, SST का, ठीक है, और उसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट इंग्लिश का भी है। ठीक है, इवन इंग्लिश का और हिंदी का भी रखा गया, तो ये रिमेडियल क्लास है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट क्लास 10th में है लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं है, और जो स्टूडेंट क्लास 12th में है उनका भी जो है ना एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है, और ये बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कोविड-19 के टाइम में बच्चे का जो बेस है वो एकदम बेकार हो गया था, बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग सरकार का ये डिसीजन है, जो आप सभी को क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी को जो है ना मतलब गर्मी की छुट्टी में बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्लास रखी गई है और क्लास चलेगी और पूरी क्लास चलेगी, पूरी गर्मी की छुट्टी, कभी छुट्टी नहीं पड़ेगी आप लोगों के लिए। और बोर्ड का एक बार रिजल्ट आ जाए तो फिर आपके लिए बेहतर हो जाएगा, अगर तैयारी हो जाएगी। और ये बी के स्टूडेंट के लिए, हालांकि इनको भी क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को भी छुट्टी देना चाहिए, बट ऐसा नहीं किया गया। तो ये डी एस ने ये सभी स्कूल को जो है ना क्या किया गया, इसमें अप्रूव कर दिया गया, जोनल होगा, आज इधर गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा, अनएडेड होगा, सभी स्कूल के लिए कर दिया गया। ठीक है, और ये जो दिल्ली का जो है ना डियर स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली ये दिल्ली में ये सभी बच्चों के लिए इस तरीके का जो है ना अपडेट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आप क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि वहाँ से आप फ्री क्लास ले सकें और फ्री अपडेट ले सकें। ठीक है, और CUET की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को यहाँ से स्टडी मटेरियल मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।